आज हम साथ में मिलके बनाते हैं नॉनवेज स्टाइल कटहल की सब्ज़ी। तो इसका टेक्सचर देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा है और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और यकीन मानिए खाने में भी उतना ही टेस्टी और उतना ही अच्छा लगेगा आपको। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसी इस स्टाइल में, इस जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिएगा। आप इस तरह से बना लोगे ना कटहल की सब्ज़ी तो आप सच में नॉनवेज भूल जाओ। तो चलिए नॉनवेज स्टाइल कटहल की सब्ज़ी बनाना कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए कटहल। तो कटहल मैंने आधा किलो से ज़्यादा लिया है और इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज आपको आधा मतलब जैसे कि आधा किलो आप कटहल लिए हो तो आधा 250 ग्राम इसमें प्याज ऐड करना है। प्याज को आपको ना बारीक बारीक काट लेना है, बारीक इस जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आप बना रहे हो तो आपको बारीक बारीक प्याज कट कर लेना है। इसमें मैं यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी जो बना रही हूँ ना वो उसमें मैंने तरी नहीं डाली हूँ, सूखी सब्ज़ी बनाई हूँ। तो आप चाहो उसमें पानी भी ऐड कर सकते हो और मैंने तो सूखा ही बना दिया है। इसमें डालेंगे अब अदरक लहसुन को बारीक बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, जब आप तरी बना रहे हो ना तभी आपको पेस्ट बना के डालना है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लिया है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया था, दोनों को अच्छे से खलबट्टे में कूट लिया। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़ा मसाला। तो खड़ा मसाला में मैंने लौंग, इलायची और दालचीनी वगैरह डाल दिया है अच्छे से, और इलायची मैंने दोनों डाला है, बड़ी इलायची छोटी इलायची, और दोनों को क्या करना है मुँह खोल देना है अच्छे से ताकि सब्ज़ी में अच्छा वाला टेस्ट आ जाए। अब इसमें डाल दिया है, अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में सबसे पहले हमें डालना है वो है 1 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे जितने भी मसाले हैं ना, जितने भी मसाले आपको ऐड करना है सब आपको यहीं पे ऐड कर देना है। तो अब मैंने यहाँ पे डाला है मिर्च, तो 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे तीखी वाली मिर्च है, कूटी हुई घर की बनी हुई मिर्च है, और आप चाहो तो जितना मिर्च आप तीखा खाते हो ना सब्जी में उतनी मिर्ची यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो, मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाला था पर मैं लास्ट में डाली हूँ वो आपको बता दूँगी। अब मैंने 2 चम्मच के करीब यहाँ पर डाल दिया है धनिया का पाउडर, और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर डाला है गर्म मसाला, और इसमें डालेंगे गर्म मसाला डालने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ और ऐड किया है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाला है। कस्तूरी मेथी के बाद यहाँ पे डालेंगे वो है 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे डाला है मीट का मसाला। आप कोई सा भी मीट मसाला डाल सकते हो, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाल दिया था। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक डाल के फिर क्या करना, अच्छे से सारी चीज़ को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या करना है, आपको सरसों का तेल लेना है और रिफाइन वगैरह नहीं लेना है, सरसों का तेल ना बहुत ही टेस्टी बनता है। सरसों का तेल आपको थोड़ा सा गरम कर लेना है, गरम करके ठंडा कर लेना है और इसको इसमें ऐड कर देना है। गरम करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कच्चापन जो होता है ना उसका वो निकल जाता है टेस्ट, और कच्चापन ज़्यादा नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच के करीब ऐड कर दिया था ये तेल। तो तेल आपको अच्छे से ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है सारी चीज़। जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना, अब इसको क्या करना है, ढक के और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 10-15 मिनट के बाद अच्छा वाला कलर आ जाता है, देख सकते हो आप बहुत अच्छा कलर आ गया था। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई थी आपको दिखाना, क्योंकि जब यहाँ पे मैंने खोला था ना तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच और 2 लहसुन की कलियाँ और साबुत वाला लहसुन साबुत डाला था और 2 हरी मिर्च डाला था। ये मुझे लगा कि कैमरा ऑन है पर कैमरा ऑफ था, मैं दिखा नहीं पाई इसके लिए सॉरी। अब मैंने सारी चीज़ को एक कुकर में डाल दिया है। कुकर में देख सकते हो आप, कुकर में भी बना सकते हो, पतीला में भी बना सकते हो, कढ़ाई में भी बना सकते हो, आप जिसमें बनाने में कम्फर्टेबल हो वो आप ले सकते हो बनाने के लिए। मैंने सारा कुकर में डाल लिया था। इसका बचा हुआ जो मसाले हैं ना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसमें डाल देना है कुकर में, और कुकर को अच्छे से कर लेना है बंद। आपको सीटी और रबड़ हटा देना है। अब आपको अच्छे से कुकर में ढक्कन लगा लेना है, 10 मिनट के लिए गैस पे छोड़ देना है। ये मैं 10 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ। अब फिर आपको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है, बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है। और 20 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ, 20 मिनट बाद इतना मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी देखने के बाद। आप टेक्सचर देख सकते हो इसका, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, एक बार खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा और दिखने में तो टेस्टी है ही ये।
तो आपको क्या करना है, 20 मिनट बाद देख सकते हो किस तरह से ये हो गया है और एकदम से गल जाएगा, आप देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने